नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना और संजना की रसोई में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। आज की रेसिपी है आलू चना दाल की सब्जी, तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 4 आलू जिसे छील के टुकड़ों में काट लिया है, चने की दाल 1 बाउल जिसे हमने 2 घंटे पानी में सोख कर लिया है, 4 प्याज मीडियम साइज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, लहसुन अदरक धनिया पत्ती कड़ी पत्ता हरी मिर्च। अब गैस पर एक ओ चढ़ाएंगे और तेल गर्म करेंगे। मैं ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ, आप अपनी पसंद के तेल यूज कर सकते हैं। देखिए तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे जीरा और उसे कड़कने देंगे। ये देखिए जीरा कड़क गया है, अब डालेंगे कड़ी पत्ता, अब डालेंगे लहसुन अदरक और इसे ब्राउन होने देंगे, एक हरी मिर्च भी डाल देती हूँ। ये देखिए अदरक लहसुन भी कड़क गया है, तो अब डालेंगे प्याज और इसे ब्राउन होने तक सॉटे कर लेंगे। ये देखिए प्याज सुनहरा भूरा हो गया है, अब इसमें मिलाएंगे आलू और इसे भी सॉटे कर लेंगे। आलू भी गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब डालेंगे चने की दाल। इसे भी सॉटे कर लेंगे। ये देखिए चना दाल भी फ्राई हो गया है, अब मिलाएंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, सब्जी मसाला और इन सबको सॉटे कर लेंगे। अब डालेंगे लहसुन का पेस्ट और इसे भी सॉटे कर लेंगे। अब थोड़ा पानी डालकर इसे फ्राई करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब डालेंगे कटा हुआ टमाटर और इसे सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गया है, अब डालेंगे गरम मसाला और इसे सॉटे कर लेंगे। मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं, अब इसमें पानी डालकर ढककर 5 मिनट छोड़ देते हैं ताकि मसाले पक जाएं। से ढक देते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए सब्जी पक गई है, अब गार्निश करेंगे धनिया पत्ती से। आलू चने दाल की सब्जी रेडी है, तो इसे परोसे गर्मा गर्म चावल चपाती या पूरी के साथ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।